आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है निर्माता, निर्देशक और अदाकार शेखर कपूर पर। बेहद हसी ऐसे बुरे हम भी नहीं, माना हो तुम बेहद हसी ऐसे बुरे हम भी नहीं। शेखर कपूर का नाम आते ही जो तस्वीर जहन में उभरती है वो होती है किसी रुबीले शानदार पर्सनालिटी के मालिक की। जी हाँ, शेखर कपूर जो कभी मॉडलिंग भी किया करते थे, लिहाजा वो शान और शौकत उनके व्यक्तित्व का जैसे हिस्सा बन गई है।
1974 में आई थी नवकेतन की इश्क इश्क इश्क। सुनते हैं इस फिल्म के गाने की एक झलक। वल्ला क्या नजारा है, मौसम बड़ा प्यारा है, ओए क्या बात है, ऐसा तमाशा यही मैंने देखा, कहीं मैंने देखा नहीं। वल्ला क्या नजारा है, मौसम बड़ा प्यारा है, ओए क्या बात है, ऐसा तमाशा कहीं मैंने देखा, कहीं मैंने देखा नहीं। अरे ए मीनू, शिखर कपूर का असली नाम है चंद्रशेखर कपूर। उनका जन्म लाहौर में सन 1945 में हुआ है। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में पूरी की। चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में नौकरी करने वो लंदन चले गए। लेकिन जो किस्मत में बदा होता है उसे भला कोई छूटता है। वो बतौर एक्टर हिंदी फिल्मों में आए और 1983 में फिल्म मासूम के साथ निर्देशन के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई। ये वही फिल्म मासूम है जिसमें उर्मिला मातोंडकर और जुगल हंसराज ने बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। लकड़ी की काठी का ठीपे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा।
शेखर कपूर ने कई वेस्टर्न एडवर्टाइजिंग फिल्मों का निर्माण किया होने से किसी भी बात को सटल तरीके से कहलवाने में वो माहिर हैं। हॉलीवुड उनके लिए हमेशा ही प्रेरणा का स्रोत रहा है। फिल्म मासूम के बाद उन्होंने जोशीले का निर्देशन किया, बल्कि निर्देशन तक ही अपने आप को महदूद कर सिप्ते हसन रिजवी के जिम्मे उन्होंने इसके निर्माण का काम दे दिया। ये फिल्म आई थी सन 1989 में। Yeah.
उसके बाद सन 1988 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया, जो काफी हिट रही और इस बात को भी पुष्टि मिल गई कि शेखर कपूर बच्चों के मासूम मन की थाप आने वाले संवेदनशील निर्देशक हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है जिंदगी। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है जिंदगी। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है जिंदगी। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है जिंदगी। एक पल दर्द का गांव है, दूसरा सुख भरी छांव है। वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। कई टीवी सीरियल्स में उन्होंने काम किया है। शेखर कपूर की ख्याति इस बात के लिए भी है कि वो एक
खर्चीले और धीमी गति में काम करने वाले निर्देशक हैं। जब तक वो पूरी तरह मुतमईन न हो, ओके नहीं कहते हैं। इसके लिए चाहे कितना ही इंतजार क्यों ना करना पड़े, शायद इसी बात को परफेक्शनिस्ट होना कहते हैं। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। लो आज मैं कहता हूँ आई लव यू, आई लव यू, I love you, I love you, I love you. Koi nahi hai bas tum ho saath, kehni thi tumse jo dil ki baat. Koi nahi hai bas tum ho saath, kehni thi tumse jo dil ki baat. Lo aaj main kehti hu द्वारा बनाई हॉलीवुड की बहुचर्चित फिल्म एलिजाबेथ को दुनिया भर से सराहना मिली। इसका सारा श्रेय जाता है शेखर कपूर को। यही नहीं, बैंड क्वीन, जो कि दसवीं सुंदरी फूलन देवी की जिंदगी पर आधारित फिल्म थी, बनाकर एक धमाका सा उन्होंने किया था। इस फिल्म को 1996 का राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। हम शेखर कपूर को उनकी कामयाबी के लिए तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे, ये प्यार हमारा हमेशा रहेगा। प्यार का ऐसा फसाना रचेंगे, याद हमारी जमाना करेगा। प्यार का ऐसा फसाना रचेंगे, याद हमारी जमाना करेगा। हम ना रहेंगे
नाता है सदियों पुराना। चलते चलते चाहे रुक जाएं, फिर भी रहेगा ये रिश्ता सुहाना। आंधी या तूफान, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था निर्माता निर्देशक अभिनेता शेखर कपूर पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।